सारा जिसको कहते हैं खुशियां, बहुत सारी स्माइल्स आपकी जिंदगी में, और कोई बात नहीं, मैं बोलती जाऊंगी, वो अपने आप सेटिंग करेगा जो भी लगती है। ऐसा कि हम इतने सारे टाइम बाद मिलते हैं ना, आपको पता नहीं कि कितनी ये कसक होती है। रोज सत्संग में जाना अच्छा है, बट अगर कभी कभार जाते हो और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको नहीं जा पाते और अचानक आपको जाने को मिलता है या आप जाते हो, तो वो जो ओके कोई नहीं, ये सोचोगे कि स्पीकर का गला खराब है। एनीवे, सो ये जो कसक होती है, ये जो जिसको कहते हैं कि मैं खुद अपनी बात कर सकती हूँ कि जब मैं एक महीने बाद ऐसे सत्संग में आती हूँ या मैं खुद मुझे नहीं मौका मिल रहा होता, तो मैं आज ऐसे गदगद हो जाती हूँ कि हाय बुला लिया गुरुजी, हाय सेवा भी ले ली गुरुजी। यू नो ये जो फीलिंग आती है, ये जो कसक और ये जो प्यार उमड़ता है ना गुरु के लिए, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप खाना तो रोज बनाते हो, है ना, रोटी भी वही बनाते हो और सबका जो भी रूटीन काम है सब कुछ करते ही हो ना। मान लो आप 8-10 दिन बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, आपको वो वाला रूटीन काम करने को नहीं मिल रहा, और सडनली आपको बोला गया कि आपको कोई काम नहीं करना जो आपको अच्छा भी लगता है, और जैसे ही आप ठीक होते हो, जब आप उस रूटीन में आते हो, तो आप कैसे खुश हो जाते हैं, हाय गुरु जी थैंक यू, इस बेड से उठाने का थैंक यू, यू नो ऐसे नहीं हमें पढ़ना कि हम काम ही ना करें। इसी तरीके से सत्संग की भी एक अपनी एक चाम होता है, एक गुरु जी के साथ जुड़ने का भी एक चाम होता है। आप क्या करते हो, रोज चले जाएंगे, अच्छी बात है, जुड़ना है आपको, घर बैठ के भी जुड़ सकते हो, बड़े मंदिर जाके जुड़ सकते हो, कहीं भी, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो कसक है ना, वो मिसिंग जब होती है तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो जब आप बहुत दिन बाद आते हो गुरु को मिलने के लिए, ऐसी ठीक है ना, बहुत दिन बाद आते हो गुरु को मिलने के लिए, तो वो ना प्यार का लावा फूटता है, माय गॉड गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, आता है कि यू नो आप जैसे डेट पे आते हो, ऑफिशियल डेट पे आते हैं, आई थिंक ठीक ही है ये गुरु जी। मुझे लगता है मैं सामने बैठी हूँ शायद इसकी वजह से, नीचे ही रखना है मुझे, हाँ बेटर है, सुनाई दे रहा है। एनीवे, सो ये जो कसक है ना, ये खींच के लाती है, इसी की मस्ती है। और जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, मैं आपको ना छोटी सी बात सुनाती हूँ, मैं बड़े सोच रही थी कि यू नो इजी है मेरे लिए शब्द कीर्तन बनाना, प्लेलिस्ट बनाना, ये करना, यू नो क्योंकि आपके पास सारे शब्द तो हैं। तो मैंने जिस दिन 4-5 दिन पहले मैंने शब्द बनाने थे, प्लेलिस्ट बनानी थी आज की और किस तरीके की, मैं बड़े शान से अपना टैब खोला और देखा सारे शब्द उड़ गए मेरे, एक भी शब्द नहीं, मतलब जो डाउनलोड किए थे थोड़े से वही शब्द। मैंने कहा और मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, आसान तरीका था ना मेरे लिए, पता नहीं 2 दिन इधर उधर से ढूंढ ढांड के डाउनलोड करके, ना मेरी जो जितने शब्द थे सारे के सारे जो मैं कलेक्शन थी मेरी 15 सालों की गायब उसमें से। एनीवे मिल तो जाएगी रिटेन, तो मैं बाद में कहीं और से भी कर दूंगी, बट बात यह है कि एफर्ट करना, जो हमने वो ग्रांटेड चीजें लेती है, तो गुरु जी कहते थोड़ी मेहनत करिए, अब तूने होमवर्क नहीं किया बड़े दिन से, थोड़े डाउनलोड कर ले शब्द, थोड़ा कुछ तू भी सुन ले। सो हम जब वो ग्रांटेड ले लेते हैं ना चीजें, और उसके बाद वो खींच लेते हैं, तो फिर पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो आपके जीवन में गुरु जी वैल्यू सिखाते हैं आपको, किस चीज की कदर करनी चाहिए आपको, जो आपके पास छोटी सी चीजें हैं उनकी भी कदर करो, है ना। आज मैं यहाँ बैठी हुई थी, ऐसे लग नहीं रहा था कि एसी नहीं चल रहा, ऐसे लगता ठंडक, गुरु जी की ठंडक इतनी है, फ्रेग्रेंस भी बहुत, फ्रेग्रेंस भी बहुत आज खुशबू, और यू नो वो भी तो खुश होते हैं ना, वन से ना वाले हम सारे आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं, उनको भी तो खुशी मिलती है। अगर हम गुरु जी के साथ खुश हैं, तो गुरु जी भी हमारे साथ खुश है, तो यहाँ बैठे कितनी ठंडक मिलती है,
तो आज जब हमने गुरु अमरदास जी का सुना इतना प्यारा शब्द की नितानिया देता निमानिया देमान, मतलब वो कितना ही दयालु है कि हर एक संगत के लिए गुरु जी हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा गुरु जी हर संगत के साथ। ये मत सोचना कि वो कहते ना काला ना पवे कि 6 साल होंगे सानू गुरु जी को लाए साढ़ा काम है ना, उनको पता है कि राइट टाइमिंग क्या है, क्योंकि हम ना जल्दीबाजी करते हैं। आप अपने एग्जाम्पल देख लो, मैं अपना भी देख लेती हूँ, कभी कभी स्ट्रेस जब हो जाते हैं ज्यादा, मैं कहती हूँ मैं तो बेवकूफ नंबर वन हूँ, करना आपने कराना आपने दिखता आपको है, हम नहीं स्ट्रेस ले सकते। तो इसलिए क्या करते थे, बोलते यू टेक इट, बिकॉज क्यों, क्योंकि विश्वास है कि टाइमिंग उनकी है, हमारी टाइमिंग के हिसाब से कभी कुछ नहीं होता, उनकी टाइमिंग के हिसाब से होता। तो जैसे शब्द की बात है मैं बता रही थी, मैंने कहा स्ट्रेस हो गया गुरु जी, और मैं क्या करूँ, दो दिन नींद ही नहीं आया, मैं कैसे करूंगी, टैप भी चार्ज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऊपर से मैं यू नो कैफे में। एनीवे एक दिन मैंने बैठी वहां पर कैफे के अंदर ही, हमने अपना गुरु जी का वो अपने ऑफिस में बिठाया, वो सब कोई नहीं था, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इधर ही बैठ रही हूँ। धीरे धीरे करके आधे पौने घंटे में दोनों प्लेयर लिस्ट रह गए, फिर ठंडक मिली, फिर मैंने थैंक यू। सो ये आपका एक एक टाइमिंग, एक जिसको कहते ना आप सोचते हो स्ट्रेस लेते हो, प्रभु जी कहते नए शब्द भी ढूंढो, थोड़ा नया बन लेके आओ। मैं कहा अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा सूफी, एक दिन मैंने सूफी डाल देना है सबके लिए, और फिर हाँ नाइट नहीं करेंगे हम, सूफी डे ही करेंगे, हाँ सूफी से शाम को एक दिन सर नहीं, मैं सैटरडे का ही करेंगे नॉर्मल, हाँ ओनली सूफी, अच्छा एक सैटरडे इवनिंग, उनको बेचारे ना बोर ही हो गए, थक ही गए वो भी, क्योंकि जब शब्द आते हैं रोना निकलता है, अपनी अरदासें निकलती हैं, ओ गुरु जी साडा ए दर्द हैगा, ओ दर्द हैगा, ए नहीं हो रहा साडा हो गया, मतलब सारा कुछ सुना ही नहीं होते। अच्छी बात है अपना दर्द सुनाना गुरु जी को, बट कभी कभी गुरु जी को भी खुश कर देना चाहिए। यू नो उनको कवालियां बड़ी पसंद थी, उनको सूफी बड़ा पसंद था, यू नो ये सूफी स्टाइल कवाली स्टाइल, तो आज यू नो गुरु जी को भी तो रिझाए ना, है ना, कि हम उनको जब रिझाते हैं ना तो वो मौज में आते हैं, और जब वो मौज में आते हैं तो ले जाओ जो लेके जाना है, जो मिल रहा है उस दिन गुरु जी यू नो पछाड़ करते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि बड़े फंक्शन में गुरु जी एक गुस्सा कर देते थे हम सबको कि तू आया नहीं, अब तो बहुत, गुरु जी ने एक और स्टाइल दे दिया कि अब सत्संग कर लो, बड़े मंदिर सब जा नहीं सकते। तो तब थोड़ी सी संगत होती थी तो उन्होंने एक स्पेशल तरीके से ब्लेस करना होता था उस दिन, तो हम बोला आया नहीं, उधर कल्याण रह गया। तो उनकी मौज है, यू नो उस टाइम मौज में होते हैं, जो आता है सब बटोर के ले जाते हैं, और जब वो गद्दी पे बैठते हैं नॉर्मल डेज पे तो उनकी मौज कब आई ये नहीं पता, उस दिन तो उनकी मौज बरकरार रहती है। इसलिए जब हम जाते हैं बड़े मंदिर या बड़े फंक्शन वाले दिन, डेकोरेशन देखने नहीं जाना, ओवर डेकोरेशन देखने नहीं जाना, आपने जाना है गुरु जी जो बेचारे छुपे हुए गुरु जी है उस गद्दी के बीच में, उनको ढूंढ डाल के पुनः बोले गुरु जी, ठीक है। सो आपने गुरु जी से मिलने जाना है, जो गुरु जी ने आपको समा दिया है उस मंदिर में, आप जब अपने पैर रखते हो तो उस वहां से लेके जब आप अंदर तक जाते हो, धक्के खाते हुए रश है पसीने आ रहे हैं, पर वो जो आपकी जो जर्नी है वो गुरु जी देख रहे हैं, और वो जो प्यार है वो नहीं खत्म होना चाहिए आपको गुरु जी से। अच्छा गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं, वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, अच्छा देखिए वो नहीं देखना कि कितने फूल लटक रहे, कितने पेड़ लटक रहे, कितने पतंगे लटक रहे हैं, नथिंग, आपने डेकोरेशन नहीं देखनी, डेकोरेशन तो आपके लिए देखने के लिए ठीक है, ओवर समझाने के लिए कि हम कुछ है यहाँ पर, नहीं कौन है हमारे वहां पर गुरु जी है, कि वो गद्दी में बेचारे छिपे हुए, मैं तो दिखे नहीं, मैं तो देखा मुझे गुरु जी की तरह, मैं तो गद्दी नहीं दिख रही मुझे गुरु जी की, बिकॉज इतना चल रहा यू नो, इतनी लाइट्स, इतना सब कुछ था कि, और वो डेकोरेशन सॉरी टू से बट सिंप्लीफाइड तरीके से रखो, घरों में भी सत्संग रखते हो, वो गुरु जी प्यारे से वहां बैठे और अपना आसन लगाए हुए, क्या मस्ती है उनकी, उनको देख लो बैठे बोला हाय गुरु जी, जो हाय नमस्ते गुरु जी, मत्था नहीं टेकने को मिल रहा, देखो यहाँ वी आई पी है ब्ला 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 जो भी है, पर ये देखो सलाम साफ करके आ जाओ गुरु जी को, हाय बोल के आ जाओ, फ्लाइंग किस करके आ जाओ गुरु जी को, क्या है, इसको कहते हैं अपने गुरु जी,
ये कोई पराये नहीं है हमसे, तो जहाँ हम अपनापन लेके आओगे उसी में मस्ती है, अदरवाइज कोई मस्ती नहीं। तो इसलिए जब भी आप आओ ना तो भरपूर प्यार लेके गुरु जी के ले आओ और उनको मिलने जाओ। सबसे जरूरी है आपको मिलना, हमको देखना, वहाँ के दर्शन करने। जब आप मत्था टेकते हो ना तो गुरु जी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं और जितने उनके गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। ये भाव से मत्था टेको कि आप गुण मैं अपने रखती हूँ आपके चरणों में और गुण लेके जाती हूँ। और क्या वो नहीं करते? बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बहुत दयालु है गुरु जी, इतने दयालु। जैसे आज हम शब्द भी सुन रहे थे ना, सेम वही सब चीजें हैं, महापुरुषों की चीजें, गुरुओं की चीजें, परमात्मा की चीजें वही चलती आ रही हैं जो पहले चल रही थी। समझ हमें अब आई है, सच बता रही हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ ना कि जिसके जीवन में दुख नहीं आया ना उसको गुरु का रास्ता नहीं मिला। ठीक है, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई ना उसको गुरु का रास्ता भी नहीं मिला, क्योंकि वो सुख की उड़ान ऐसे भर रहा होता है कि जैसे दुख, मतलब उसके जीवन में दुख ही नहीं। जब इंसान के जीवन में दुख आता है, जब दर्द उठता है तो परमात्मा को पुकार निकलती है। सुख में आप परमात्मा को थैंक यू भी बड़े मरे मन से करते हो, सोचते हो ये तो मेरी अचीवमेंट है, ये मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा, ये मैंने ही किया है। फिर बोलते थे थैंक यू परमात्मा या थैंक यू गुरु जी आपने साथ दिया, ये नहीं कहा कि करवाया आपने। तो इसीलिए बहुत फर्क है इन सब चीजों में। तो ये जब मत्था टेकते हो तो ये सब गुण उनके आपको मिल जाएंगे। और रास्ता कब मिला? जैसे प्रेमा कुड़ी को मिला, अगर उसको वो दुख ना मिलते, उसके कर्म ना खराब होते। मान लो कि हमारे कर्म भी खराब है, पर अगर कर्म भी खराब है रास्ता और तो रास्ता भी किसने दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। अगर हम दुखी ना होते अंदर से, हमारे कहते ना अंदर का कोर, बाहर से तो बड़े चिकने चुपड़े से लगते ना, शाइनिंग नाइस ब्यूटीफुल, पर अंदर का जो कोड़ है वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। जो हमारे अंदर की जो मैल है, जो अंदर जो हमारे ब्लिस्टर्स हैं, जिसको कहते हैं हम दुख के, जेलसी के, हेट्रेड के, फलाने के, धमकाने के, वो तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो जब आप आते हो ना, आप किसी को नहीं पता किसके मन में क्या है। तो जैसे ही मत्था टेकते हो, आते हो सत्संग में, तो सबसे अच्छी चीज गुरु जी क्या करते हैं, आपका मन बदलते हैं। हम बाहर का शरीर तो जैसा है वो तो है ही सबका, पर जो मन बदलना है ये बहुत बड़ी बात है। मन ऐसे नहीं बदलते, तो आते आते हमारे मन बदल गए। अब एक कोई धक्का भी लगाते कह रहे कोई बात नहीं, यू नो, जैसे इवन जैसे कार पार्किंग में भी हो जाता है, पहले तो बंदे की तलवारें ना निकल जाए, यू नो होता था ना पहले गुस्सा, ये वो तलवारें, इन द सेंस इतना गुस्सा एक छोटी सी कार पार्किंग के लिए हो जाता था। अब हमारे को गुरु जी ने क्या सिखाया? कार पार्किंग के लिए नहीं सिखाया, एक पेशेंस सिखाई कि उसको हैंडल कैसे करना है। मन बदल दिया कि क्यों गुस्सा करना छोटी छोटी बातों पर, क्यों रोष करना जीवन में, ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। तो ये गुरु जी ने हमको सिखाया है। बाकी सब चीजें तो हम जैसे कहते हैं ना कि जब उसको कोड़ का रास्ता मिला और सब कुछ मिला तो कितना उसका जीवन देखो सुखदायक बन गया। ऐसे ही हमारा भी गुरु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमको एक रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, जिसपे हम चल के सुकून महसूस करते हैं। आग चारों तरफ लग भी नहीं होती है, बट जो क्या होता है ना कि जैसे होता है ना आप रास्ते पे चल रहे हो, आस पास आपकी आग है और जो आपको महसूस नहीं होती और आप चलते जाते हो। तो इसीलिए ये उनका मार्ग है, ये सीखो आप गुरु जी से, यू नो सीखो। ये जो मन बदलना है ना, ये जो मन की खुशी है, अल्टीमेटली गुरु जी आपकी खुशी चाहते हैं। मन बदल गया, मन खुश है। जब आप जैसे होता है ना, जब हम डेथ बेड पे होंगे तो क्या होगा? हाय गुरु जी तुम साढ़े काम नहीं किया, मैं तो मार गई हूँ, यू नो यू विल से ऑल दोस थिंग्स। सो बट नहीं, ये सब नहीं करना, आपने बस यही सोचना है कि बस यू नो कि जीवन में जो आपने मुझे दिया, जो सिखाया, बस मैं आपके साथ जुड़ी रही और आपने मुझसे सेवा ली, चाहे कोई भी सेवा, चाहे प्रसाद की सेवा गुरु जी ने आपसे ली, चाहे आपको किसी से, जिसे एक किसी से किसी को आपने दान भी दिया वो भी एक सेवा मानी जाती। तो बट उसका बखान नहीं करना कभी जिंदगी में कि आपने किसी के लिए कुछ किया और फिर आपने जतलाया, तो वो बात बात नहीं होती, वो बेकार होती है। वो कहते हैं नेकी कर और कोई मिला, कुछ नहीं आपने सोचना, आपका काम था, आपकी नेचर है नेकी करना, तो आपने कर दी। किसी की नेचर नेकी करना नहीं है, उसने वो कर दिया, तो आप वैसे नहीं बन सकते जैसे कि बाकी।
तो आप जैसे हो आप वैसे रहो और अपने आप को अंदर से बदलो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अंदर से बदलने की बात बताती हूँ कि नहीं, बताती हूँ कि गुरु जी कैसे आपके गुण चेंज करते हैं। आप जैसे भी हो, कैसे भी, हम लोग जैसे पहले हुआ करते थे कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया कभी कुछ, तो जैसे जैसे गुरु जी के पास जाती गई, मैं अपनी बता देती हूँ छोटे छोटे सत्संग, उसके बाद जैसे सत्संग करना कर लो, नहीं तो मैं तो बोलती रहूंगी। जैसे जैसे गुरु जी के पास जाते रहे तो हमारे मन इतने अच्छे तो नहीं थे ना, कभी जेलसी भी आ जाती थी, कभी लगता था कि इसके पास ये, काश हमारे पास भी ऐसा हो जाता, मैंने एक लग्जरी गाड़ी हमारे पास भी हो जाती, सब कुछ होते हुए भी और एक होनी चाहिए। ऐसे करते करते जब हम गुरु जी के पास गए तो अंदर से ना मोह खत्म हो गया, अंदर से वो इच्छा ही खत्म हो गई कि छोटी गाड़ी में जाना है, ऑटो रिक्शा में जाना है, साइकिल रिक्शा में जाना है। वो धीरे 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 गुरु जी ने ना, जिसको कहते हैं कि सारी चीजें जो आपकी इच्छाएं हैं वो खत्म करनी शुरू हो गई, और जैसे जिस हाल में रखा उस हाल में चलते गए। तो एक दिन ऐसे किसी ने मदद मांग दी कि ऐसे ऐसे चाहिए, खुद के जेब में 100 रुपए उसको पकड़ा दिए 50 रुपए, ठीक है। हमें ऐसे ऐसी वैसी मतलब एक भाव बता दिए, ठीक है। तो ये आपका मन है कि वो भाव आपको कैसे बदल देंगे, किसी का दुख सुन लिया तो उसको बड़े मंदिर ले गए, किसी का भला चाहने लग गए तो बड़े मंदिर ले गए। तो एक दिन ऐसे मैं हमेशा ना फूल लेके जाया करती थी गुरु जी के लिए, वो एक्चुअली मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं होते थे, तो क्यों कहते थे ना, नया नया हेलीकॉप्टर है, पैसे तो तेरी, हम इसको असेंबल होना है, उड़ेगा, जब उड़ेगा तो कमाई होगी, है ना। तो तब तक पैसे थे थोड़े बहुत जो होते थे स्ट्रेस में, गुरु जी के टाइम की बात बता रही हूँ, उनकी कृपा से हेलीकॉप्टर आया। बट वो जो कहते हैं ना कर्मों की जर्नी तो भुगतनी है हमको, तो मैं ऐसे वहां पर ना जब उनको फूल लेके जाती थी, 3 मालाएं होती थी, तो अंधेरिया मोड़ पे वो फूल वाला खड़ा होता था, 160 रुपए दे दिया थी, उन्हें सुनाया भी डजंट मैटर। सो वहां बदलने की बात बता रही, तो वहां पर उसको 200 रुपए मेरी जेब में, 160 के मैंने फूल लिए और भागी। क्या मेरे गुरु को पता नहीं था कि मैं पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है वापसी में, ना मेरे पास क्रेडिट कार्ड ना मेरे पास डेबिट कार्ड। सो मैं वापसी में मैंने बोला चलो जो होगा देखी जाएगी, बट पहले पहुंच तो जाओ, पहले उनके चरणों में फूल होना चाहिए, बाकी कल की कल देखेंगे। ऐसे करती गई, उनको पता था, उनको ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनको पता नहीं थी। तो मैं जैसे फूल ड्राइवर उनको बिछाती थी तो ऐसे मुस्कुरा के आग मार देते थे, है ना। तो मैं सोचती हाँ मेरी तो सफल हो गई है ना, उनको थोड़ा बताती गुरु जी मैं थोड़े वास्ते फूल लेके आए, मेरे को पैसे भी नहीं थे ता भी लग गए, है ना। ऐसे करके हम जतलाते हैं, इवन जब हम बड़े मंदिर जाके कोई सेवा करते जब लाते हैं, हम तो बड़े मंदिर में जाके लंगर की किचन में ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, हम वहाँ के हेड सेवादार है, हम वहाँ ये करते हैं। नहीं, आप जब सेवा करते हो ना, दुनिया नहीं देख लीजिए, दुनिया कैसे नहीं देगी, क्योंकि आप संगत के सेवादार, गुरु की सेवा संगत की सेवा। तो एनीवे हम वहाँ पर पहुंचती थी, और एक दिन ऐसे ही गुरु जी को कंसोल नहीं होता बैठे हो, कंसोल पे बैठे हुए थे ऐसे, और बड़े क्यूट से लगते होते थे, पैंट शर्ट में और कैप्स डाले होते थे ऐसे करके, बड़े पोले पोले से छोटे से लगते, इसमें तो कितने वो लगते ना बड़े बड़े से यूज यूज से विशाल टाइप के ऐसे बड़े बड़े, तो वो बैठे थे पोले से ऐसे करके ना, ऐसे करके बैठे रहते थे। मैं ऐसी स्कूल लेके गई तो पोले थे मजबूर थे, अब मत्था भी कैसे टेकू, मैं बैठ के टेकू उधर टेकू क्या करूँ, तो मैं रखा फूल अपना ऊपर और ऐसे करके मैंने मत्था टेका, मैं टेक के फिर वहां फूल बिछाए। तो बाद में मुझे सत्संग के बाद जब गुरु जी का वो शब्द कीर्तन खत्म हुआ तो एक आंटी आई, आई थिंक 2 आंटी थी, वही रहती है पास स्टेज पे, तो वो मुझे आंटी कहती है क्या किया तूने, मैंने क्या किया, कह रही है कि गुरु जी तारीफ करे थे तेरी, मैंने कहा क्या मतलब, हमें तो पता ही नहीं, कह रहे कि गुरु जी कहते बड़ी सियानी है, फूल नहीं गिरन देता, मतलब मेरे चरणों में जाने से पहले जमीन पे नहीं आया, हालांकि बाहर कहीं भी पड़े हो फूल, पर उसने आने नहीं, कह रहे ऐ कहते इन कहते जुगत कह रहे बड़ी समझदार बड़ी वाइज है, अच्छा मैं बड़ी खुश। तो मैंने कहा मेरे को तो इसी में खुशी हो गई, बड़ी हेल्पफुल भी है, तो अगर मैं जो नहीं थी उन्होंने वो बोल के बना दिया, अगर मैं इतनी हेल्पफुल नहीं थी
तो उन्होंने बोले कि बड़ी हेल्पफुल है, बड़ी दुखा दी मदद करती है। तो उन्होंने मुझे, हालांकि मैं तो ऐसे कोई मदद नहीं कर करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मदद करती थी या मैं सोचू कि मैंने ऐसा कुछ किया अपनी लाइफ में, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे बोल के मेरा कर्म करा। तो ये आज भी, पहले भी और रहती दुनिया तक, हर चीज आपकी, अगर मन बदल गया तो भाव भी बदल जाएगा। तो दो चीजें हो जाएंगी, यू नो कि मन बदला और इसके बाद आपका भाव जब बदलता है तो आपका जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो तो पहले स्ट्रांग होता है, पर आपकी परोपकार की जो भावना आती है, जो आपको किसी के लिए कुछ करना है, करके भूल जाओ, मैं बता रही हूँ, करके अगर जतलाया ना गलत, तो इसीलिए ये भाव बदलेगा। किससे डीलिंग क्या करनी है, गुस्सा शांत हो जाएगा, यू नो आएगा गुस्सा, अच्छी बात है आना, बट ये ना कि बात बात पे गुस्सा आ जाना, उसमें आप देखोगे आप कितने शांत होंगे। तो ये सब गुण जो है किस लिए है, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ शब्द कीर्तन में क्यों से, क्योंकि हमारा जीवन सौखा हो जाए, हमारा जीवन शांत हो जाए, हमारे जीवन की जो उथल पुथल हमारे दिमाग में चलती है, हम इस जीवन को जीना सीखे। इसीलिए गुरु जी चाहते हैं कि आप खुश हो, मन बदलो, नहीं तो कुड़ कुड़ करते रह जाओगे, ऐ नहीं है, वो नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मैं गुरु जी घर नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, पता कितनी चीजें अलग अलग तरह की दिक्कतें लाइफ के अंदर है, सबको ऑफ कर दे। सो इसीलिए खुश रहो करो हमेशा, और ज्यादा फालतू की यू नो चोचलों में नहीं पड़ना चाहिए, और ये भी वहम नहीं करना बिल्कुल भी, लोगों ने वहम ज्यादा डाले हुए कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो कर दो, 11 सोमवार करने हैं, इतने करने हैं गुरु जी को, पता नहीं मुझे ना आधी बात तो वैसे मेरे तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो आपने बस सिंपली जाना है गुरु जी के पास, और सत्संग में भी आना है, आओ मत्था टेको, शांति से जो मिल रहा है और जो शब्द कीर्तन है वो बैठ के सुनो, मन और तन को एक एकाग्रचित करके बस उनके चरणों में जुड़ जाओ और बदलो, और यही यही तरीका है, और जाके अपने घर में शांत हो फालतू के चक्कर में। क्या हमारे लाइफ में यहाँ गुस्सा नहीं आता है, मुझे भी आता है गुस्सा, जब आता है तो बड़ा गुस्सा आता है, बट जब आने लगता है तो सोचती हूँ क्या फायदा होगा इसका, मतलब आने मतलब इतनी जोर से वो कहते ना एकदम से आ रहा है गुस्सा, तो सोची फायदा होगा वैसे, मैं फायदा नहीं आने, पहले तो अपने दिल जलाऊं, फिर दिमाग जलाऊं, फिर बाद में सोचती रहूं मैंने बोला क्यों, ये क्यों किया। तो मुझे लगता है कि अब वो जो है ना वो चीज, जब गुस्सा आने लगे तो एक सेकंड पीछे हो जाओ, वो गुस्सा शांत कर दे और कलेशी खत्म हो जाए। सो जय गुरु जी, और बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और जो पल मिले गुरु जी के चरणों में वो जरूर बिताया करो, और जरूरी नहीं है अगर ये मेरे को तो आज मौका मिला मैं तो टूट गया, कहना अल्लाह मेरे को लगा मैं पूरी दुनिया भूल गई। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि आप भी जैसे जैसे गुरु जी के पास जाते जाओ अंदर से बदलते जाओ, नहीं तो फायदा नहीं, फिर वही रोज सत्संग में भी रहोगे, मंदिर भी जाओगे, चार तरह की चुगलियां भी कर लोगे, वो उत्थे बैठा सी मैं इतने बैठा सी, कोई फायदा नहीं है। सो मन बदल जाएगा, गुरु से प्रेम करो, बहुत सारा प्यार करो, देखो कितने इतने प्यार करने वाले गुरु जी जिंदगी में, क्या मुझे तो लगता है कि इस लाइफ टाइम में तो मुझे कभी कोई भी नहीं मिला, और मुझे चाहिए भी नहीं, क्यों, क्योंकि मैं एक ही में खुश, एक से कनेक्शन, एक से ही प्यार, एक ही तारेगा है ना, एक से ही तरते हैं हसा, मतलब 10 जगह पे जिसको कहते हैं ना, एक एक को मान लो, एक को सब कुछ दे दो, बाकी को रिस्पेक्ट करो, तो मुझे लगता है कि वही एक नाम था। तो जय गुरु जी, मुस्कुरा दो, नथिंग सीरियस है ना।